मायागंज में रोशनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी जो कि बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाने का काम करती थी, लेकिन उसे अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। एक दिन एक अमीर घर की लड़की किंजल अपनी शादी में मेहंदी लगाने के लिए उससे कहती है, रोशनी मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम ही मेरे हाथों में मेहंदी लगाओ, और हाँ मुझे ब्लाउज मेहंदी लगवानी है, क्या तुम लगा सकती हो? हाँ दीदी तुम चिंता मत करो, मैं सब तरह की मेहंदी लगा लेती हूँ। ठीक है तो शाम को 5 बजे मेरे घर आ जाना, और हाँ पैसे काम पसंद आने के बाद ही मिलेंगे। शाम को रोशनी मेहंदी अपने थैले में रखकर किंजल के घर जाती है। रोशनी उसकी पीठ पर सुंदर सी ब्लाउज मेहंदी लगाना शुरू करती है और कुछ ही देर में वो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा देती है। दीदी देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगी है, अब मेरे पैसे दे दो तो मैं घर जाऊं, मुझे देर हो रही है। सुंदर मेहंदी? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, और मैंने कहा था ना कि अगर मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, चलो अब निकलो यहाँ से। बेचारी रोशनी रोते हुए घर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में एक तेज ट्रक आता है और उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। अब रोशनी एक चुड़ैल बन चुकी थी। नहीं नहीं मैं मर नहीं सकती, अभी मुझे दुल्हन भी तो बनना है और अपने हाथों पर भी तो सुंदर सुंदर मेहंदी लगवानी है। अगर मुझे समय से मेरे पैसे मिल जाते तो मुझे देर नहीं होती और मैं जल्दबाजी में घर नहीं आ रही होती और ना ही मेरा एक्सीडेंट होता। अगर मैं दुल्हन नहीं बनी, मेरे हाथों पर मेहंदी नहीं लगी, तो आज के बाद किसी भी दुल्हन को मेहंदी नहीं लगेगी। एक रोज निधि नाम की लड़की की शादी होती है और वही चुड़ैल लड़की बनकर मेहंदी लगाने आ जाती है। जब तक मैं आपको मेहंदी लगाऊं तब तक आपको अपनी आंखें बंद रखनी होगी। लेकिन ये कैसी शर्त है? बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए। वो लड़की आंखें बंद करती है और रोशनी एक भयानक चुड़ैल बन जाती है और उसकी पीठ में मेहंदी लगाने लगती है। कुछ ही देर में उस लड़की को जलन होने लगती है। ये मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? ये खास किस्म की मेहंदी है ना, इसलिए आप देखना आपकी ये मेहंदी देखकर सब चौंक जाएंगे। मेहंदी पूरी होते ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। निधि जब आंखें खोलती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसकी नजर निधि के खून से सनी पीठ पर जाती है और वो उसे झट से अस्पताल लेकर जाती है। कुछ महीनों तक शहर में यही सिलसिला चलता रहा। एक रोज वो चुड़ैल ऐसे ही सिया नाम की लड़की को मेहंदी लगाने गई। ये मुझे इतनी चुभन क्यों हो रही है, कहीं ये वही मेहंदी वाली चुड़ैल तो नहीं? वो आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सचमुच एक भयानक चुड़ैल होती है। सिया जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसके पिता जो कि पंडित होते हैं वहाँ आते हैं। तू ही वो चुड़ैल है ना जो इन मासूम लड़कियों को जख्म देकर जाती है, आखिर इन दुल्हनों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो मेरा क्या कसूर था, मैंने तो उस दुल्हन से अपनी मेहंदी लगाने के पैसे ही मांगे थे, लेकिन फिर मुझे क्या मिला, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं मानता हूँ कि तेरे साथ गलत हुआ, लेकिन तुझे इन सब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पंडित जी मंत्र पढ़कर सूखी मेहंदी फूंक कर उसके ऊपर फेंकते हैं जिससे वो पूरी तरह भस्म हो जाती है। बचाओ बचाओ, नहीं नहीं, आ, आ। कुछ ही देर में वो पूरी तरह भस्म हो जाती है। इसके बाद शहर की सभी होने वाली दुल्हनें बड़े ही आराम से मेहंदी लगवाती हैं। अब कोई चुड़ैल उन्हें परेशान नहीं करती। है? ये क्या हुआ? किताब बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। रिनी ने किताब के सारे पेज पलट कर देखे पर पूरी किताब में एक शब्द भी नहीं लिखा था। वंशु वंशु जल्दी आ यहाँ। क्या है यार, क्यों चिल्ला रही है? रिनी ने अपनी दोस्त वंशिका को अपनी किताब दिखाई जो बिल्कुल कोरी हो चुकी थी। वंशिका भी हैरान रह गई। फिर दोनों ने किताब को वहीं पर छोड़ दिया और जाकर पूरी बात हॉस्टल की वार्डन लीना को बताई। लीना उनके साथ हॉस्टल के कमरे में गई और किताब को खोलकर देखा। क्या बकवास है, क्या परेशानी है इस बुक में, सब ठीक तो है? मैम प्लीज ट्रस्ट मी, इस किताब की सारी लाइन्स अभी गायब हो गई थी। हाँ मैम बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ब्लैंक ड्राइंग बुक होती है। तुम लोग जाकर सो जाओ, ये सब तुम लोगों का वहम है बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन मैम, मैंने बोला ना गो टू योर बेड नाउ। लीना ने भले ही दोनों बच्चियों की बात को उस वक्त ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन असल में वो भी कुछ परेशान सी थी। फिर अगले दिन, मैम मे आई कम इन? यस लीना कम इन सिट, बताओ क्या बात है? मैम हॉस्टल में फिर से वही सब हो रहा है, इस बार 5th स्टैंडर्ड की रिनी के साथ हुआ। मैम मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लीना ये सब बच्चों की शरारत है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लीना और स्कूल के प्रिंसिपल आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों फौरन हॉस्टल की तरफ भागे। फिर वहाँ जो उन्होंने देखा उस पर वाकई विश्वास करना मुश्किल था।
वो रिनी की फ्रेंड वंशिका थी जो कि उल्टी चल रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो अपने होश में तो बिल्कुल नहीं है। मैम ये तो वंशिका है, रिनी की रूममेट। तुम रुको, मैं इससे बात करती हूँ। वंशिका स्टॉप, वेयर आर यू गोइंग, कम हियर। प्रिंसिपल की आवाज सुनकर वंशिका रुक गई और फिर, वंशिका आंसर माय क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग। वंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। प्रिंसिपल ने उसके चेहरे से उसके बाल हटाए तो देखा कि वंशिका की आंखें तो बंद थी। लीना ये तो सो रही है, इसे नींद में चलने की बीमारी है क्या? मैम ऐसा तो पहले कभी कुछ नहीं हुआ इसके साथ। ऐसा करो तुम इसे इसके मेडिकल रूम में ले जाओ और इसका चेकअप करवाओ। जी मैम, पर लीना गो। लीना वंशिका को लेकर चली गई, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और उधर प्रिंसिपल भी बेचैन थी। फिर कुछ देर बाद, मैम क्लास में भूत है, आहा भूत है वहाँ। व्हाट रबिश समायरा, डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग? मैम प्लीज कम विद मी प्लीज। प्रिंसिपल समायरा और टीचर के साथ क्लास में पहुंची। क्लास की छत पर कुछ बच्चों के नाम अपने आप लिखे जा रहे थे, वो भी खून से। ये देखकर बच्चे बहुत डर गए थे। प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं देखा था। सभी लोग एकटक क्लासरूम की छत की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक छत पर से सारे बच्चों के नाम मिट गए और अब की बार खून से समायरा नाम लिखा जाने लगा। अब तो प्रिंसिपल को भी थोड़ा डर लगने लगा। तो वही छत पर खून से लिखा अपना नाम देखकर समायरा थरथर कांपने लगी। समायरा सारे बच्चों को बाहर लेकर जाओ अभी। ओके मैम। इससे पहले कि समायरा टीचर बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जा पाती, रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर सबके माथे से पसीना बहने लगा और कुछ बच्चे तो दहाड़े मारकर रोने भी लगे। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी लोग फौरन बाहर स्कूल के गार्डन में आ गए। बच्चे बुरी तरह से घबराए हुए थे और लगातार अपने पेरेंट्स के पास जाने की जिद कर रहे थे। मजबूर होकर प्रिंसिपल को सभी पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना पड़ा। मैम ये शहर का बेस्ट रेटेड स्कूल है, इसीलिए हमने अपने बच्चों को आपके भरोसे यहाँ पर छोड़ा है। लेकिन फिलहाल जो हमारे बच्चे कह रहे हैं अगर वो सच है तो हमें कुछ सोचना होगा। रिनी का तो रो रो कर बुरा हाल है मैम, अब आप ही बताइए मैं उसे यहाँ कैसे छोड़ दूँ। देखिए आप सब शांत हो जाइए, अब तक यहाँ किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। हाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई है पिछले दिनों, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ ये सब बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। बस तब तक आई नीड सम कोऑपरेशन। फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाइए, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है बच्चे फिर से हॉस्टल में रहने आ सकते हैं। प्रिंसिपल की बात मानकर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय राम प्रसाद जी के। वो अपने पोते विकास के साथ अभी भी प्रिंसिपल मैम के रूम में ही बैठे थे। आप विकास के दादाजी है ना? देखिए मैं समझती हूँ आपकी चिंता, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं ये सब आपके बस की बात नहीं है, आप कितने भी कोशिश कर लो वो यहाँ से जाएगी नहीं। क्या कह रहे हैं आप, कौन नहीं जाएगी यहाँ से? मैडम जी आप मानो या ना मानो सच तो यही है कि यहाँ एक आत्मा है जो ये सब कर रही है। व्हाट रबिश, देखिए ये सब बकवास मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। असल में ये सब हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब करने की एक कोशिश है जिसे मैं नाकाम करके ही रहूंगी। मैडम जी क्यों जिद कर रही हैं? आपका चेहरा बता रहा है कि आपने भी उस आत्मा को महसूस किया है। देखिए मैंने सालों तक तंत्र विद्या सीखी है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको परमिशन देती हूँ, बस इतना याद रहे कि इस सब के बारे में आप बाहर किसी से कुछ नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल के पास और कोई चारा भी नहीं था, उन्हें कुछ भी करके अपने स्कूल को बचाना था। रामप्रसाद जी ने स्कूल कैंपस में ही एक बड़ी पूजा की तैयारी की। हालांकि इस बीच भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही डरावना था, लेकिन रामप्रसाद जी ने हार नहीं मानी। वो कोशिश करते रहे और आखिरकार वो कुछ हद तक कामयाब होते दिखे। सामने आ, मैं जानता हूँ तू यही है, आखिर चाहते क्या है? क्यों इस शिक्षा के मंदिर में डेरा डाला है तूने? क्यों मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है? बता मुझे बता। रामप्रसाद जी के ऐसा कहते ही वहाँ तेज हवाएं चलने लगी। फिर अचानक ही समायरा टीचर की आंखें लाल हो गईं। वो खुद को बुरी तरह से मारने लगी। ये देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। ए, ये क्या कर रही है तू? बाहर निकल इसके शरीर से, तू शरीर में रहने के काबिल नहीं है, बाहर निकल। ये क्या, ये तो एक बच्ची है और ये यूनिफॉर्म, ये भी हमारे स्कूल की है। हाँ मैम इतना सब कुछ तो याद है, पर मुझे भूल गई आप, मैं राधा हूँ। अब कुछ याद आया? राधा तुम ये सब क्यों कर रही हो? और उससे भी बड़ा सवाल, तुमने सुसाइड क्यों किया था? समायरा इससे मिलो, ये राधा है, न्यू एडमिशन, ये अब से हमारे हॉस्टल में ही रहेगी।
राधा गो देयर एंड वेट फॉर मी। मैम ये बच्ची कौन है और ऐसे हाफ सेशन में इसका एडमिशन लेने का क्या मतलब है? एक्चुअली ये बच्ची बहुत गरीब घर से है, इसकी माँ कांता मेरी मेड है, बच्ची बहुत ही होनहार है तो इसलिए मैंने। तो आपने इसको हमारे स्कूल में एडमिशन दे दिया? मैम हाउ कैन यू डू दिस, ये बच्ची हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड को कैसे मैच कर पाएगी? शट अप समायरा, यहाँ स्टैंडर्ड अमीरी गरीबी से नहीं बल्कि पढ़ाई से बनता है। टेक केयर ऑफ हर एंड यू कैन गो नाउ। मैम ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, देखिए इन लोगों ने मेरी ड्रेस पर कलर गिराकर इसे खराब कर दिया। उफ इतने बड़े स्कूल में ऐसे ही मुंह उठाकर चली आओगी तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। अब जाओ और जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके आओ। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब इस स्कूल में मुझे बुली नहीं किया गया। मैंने जब भी शिकायत की तो उल्टा ही समायरा टीचर ने मुझे ही डांट दिया। मैंने आपके पास आकर शिकायत करने की भी कोशिश की लेकिन ऐसा करने से भी मुझे रोक दिया गया। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं हर हाल में इस स्कूल में पढ़ना चाहती थी, लेकिन फिर एग्जाम का दिन आया। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आ सकती थी, लेकिन हेलो स्टैंडर्ड, चल जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता। मैं क्यों बताऊं? देख बता दे जल्दी से वरना क्या करोगी तुम लोग? हर रोज मेरा मजाक उड़ाती हो और आज एग्जाम में मुझसे मदद मांग रही हो, वो भी ऐसे। थोड़ा अच्छे से बात करो तो शायद मैं आंसर बता भी दूं। अच्छे से बात और वो भी तुझसे, तू इस लायक है भी। चल मत बता आंसर। लेकिन अगर हमारी आंसर शीट कंप्लीट नहीं होगी तो तेरी कैसे हो सकती है? रिनी और वंशिका ने मेरी पूरी आंसर शीट मेरे सामने फाड़ दी। ये समायरा टीचर वहीं पर थी पर इसने कुछ भी नहीं किया। उल्टा आंसर शीट नहीं होने पर इसने मुझे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करती, मैं फेल नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं जाकर 6 फ्लोर से नीचे कूद गई। सोचा था मरने के बाद इस सब से छुटकारा मिल जाएगा मुझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस स्कूल में पढ़ने की मेरी तमन्ना अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं मरकर भी यहाँ से नहीं जा सकी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राधा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि समायरा को इसके किए की सजा मैं दिलवाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम वो सब मत करो जो कर रही हो। इस स्कूल में तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जो वाकई यहाँ दिल लगाकर पढ़ना चाहते हैं, उनकी खातिर प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाओ। ठीक है चली जाऊंगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा, जो मेरे साथ हुआ वो फिर कभी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए यहाँ, वरना। नहीं मैं वादा करती हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही राधा वहाँ से गायब हो गई। उस स्कूल को छोड़कर अब वो जा चुकी थी जहाँ पढ़ना उसका सपना था, लेकिन क्या वाकई ये सच था? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।